वेलकम टू वीडियो में स्पाइसी रिव्यू हूं आपके साथ मारिया अली उम्मीद करती हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे मेरी खामोशी के पीछे एक तूफान है साना मिर्जा जी फट पड़ी है मैं तो माफ कर दूंगी लेकिन मेरा बेटा हमारा बेटा जिसको तुम भूल चुके हो जो अब सिर्फ मेरा बेटा रह गया इजहान कभी माफ नहीं करेगा वीडियो को आखिर तक देखिएगा सानिया क्यों तपी हुई है क्यों गुस्से में आखिर ऐसा क्या हो गया और रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा शुएब मलिक की जानब से जब उनकी तीसरी शादी होती है तो काफ़ी ज़्यादा तस्वीरें वगैरह जो है वो सोशल मीडिया पर उन्होंने जान कर पोस्ट की और जान के अपनी प्यार मोहब्बत वाली जो है गले लगना और हाथ पकड़ना ट्विनिंग करना ये सारी वीडियोज़ और तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर लेकर आए और लोगों ने जो है वो टैग किया सानिया को हालांकि लोगों का बनता नहीं है लेकिन बच्चे पर इसका बड़ा ही बुरा इम्पेक्ट पड़ा साना मिर्जा ने जी अपनी जहान की अभी एक पिक्चर पोस्ट की है जिसके बाद लोगों ने शोएब मलिक पर तनकीद शुरू कर दी है उनके पेज पर जाके जहाँ पर भी इंस्टाग्राम पर वो मौजूद हैं उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म का निशाना बनाए जा रहे हैं दोनों बेचारे गम में डूबे हुए हैं साना मिर्जा को अपनी तो कोई ज़्यादा फिक्र नहीं है क्योंकि वो आज नहीं तो कल ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगी लेकिन बेटा उसका बाप तो एक ही है ना बाप थोड़ी बदल सकते हैं बार बार तस्वीर में सानिया और इजहान को गम में डूबा देखा जा सकता है ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे को जो है वो दलासा दे रहे हैं चुप करवा रहे हैं और सुकून देने की कोशिश कर रही हैं सानिया मिर्जा नॉर्मली काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की हैं जो लोग उनको जानते हैं वो जानते हैं कि वो काफ़ी स्ट्रॉग है खुला के बाद भी वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं अभी भी वो एक्टिव हैं इस दौरान सानिया ने सोशल मीडिया पे अपनी रूटीन की सरगर्मियाँ जो हैं लोगों को दिखाना शुरू कर दी हैं कितनी मज़बूत है और उनकी बहन की जानब से भी कहा गया कि तो मैं बड़े अरसे से बोल रही हूँ कि तुम अपना ब्लॉगिंग चैनल बनाओ और वो बनाएंगी भी उनकी जानब से शेयर की जाने वाली कुछ पोस्ट जो इंस्टा पर वो शेयर करती हैं उससे जाहिर होता है लिखते है हर खामोशी के पीछे एक तूफान छुपा होता है सानिया मिर्जा की हालिया पोस्ट ने देखने वालों को चौंका दिया क्योंकि भारतीय टेनिस स्टार अब आ, की बार बहुत कुछ कह गई हैं सानिया ने पोस्ट शेयर की जिसमें कहा गया कि आप ज़िंदगी में हज़ारों चीज़ों से गुजरते हैं जिनसे मुतिक लोगों को पता भी नहीं होता इल्म भी नहीं होता कि आप ऐसी चीज़ों से गुजर रहे हैं आप पर ये सब चीज़ें बीत रही हैं और वो आपको हिला के रख देती हैं चीज़ें तब्दील कर देती हैं तोड़ देती हैं फिर आप अपने आप को रीबिल्ड करते हैं अपने आप को मजबूत बनाना किस तरह से बनाना कभी आपने सोचा भी नहीं होता लेकिन इन चीज़ों से आप मजबूत बन रहे होते हैं उन्होंने पोस्ट में मजीद कहा कि सबसे बढ़कर आप वो हैं जो आप हैं अगली बार इन छोटी चीज़ों की वजह से आपको अगर लोग जज करेंगे जांचेंगे कि आपकी गलती होगी तो आपको छोड़ दिया गया आपकी गलती होगी तो आपको रिप्लेस कर दिया गया तो आप प्लीज़ उनको जवाब मत दें इसमें मुदाखलत ना करें उनको नहीं पता कि आप किन चीज़ों से गुजरे हैं उसको रात हुए चलते रहें और आपको जरूरत नहीं है लोगों को साबित करने की आपके अपने आपको जानते हैं अल्लाह सब कुछ देख रहा है वो कहते हैं कि आप बहुत कुछ पहले ही बर्दाश्त कर चुके होते हैं तो जो तूफ़ानों से गुजर चुका होता है वो अपने आप को संभालना बहुत अच्छे से जानता है लोगों ने देखा भी नहीं होता कि असल मामला क्या है असल बात क्या है इन अल्फाज को अगर हम गौर से देखें तो वो बताना नहीं चाहते हैं कि क्या चीज़ें गुजरें अक्सर हमारे इंडिया पाकिस्तान में होते हैं जब औरत तलाक लेती है खुला लेती है तलाक होती है उसकी तो लोग ये कहते हैं औरत का कसूर होगा औरत का कसूर होगा मर्द ने दूसरी तीसरी शादी कर ली तो औरत का कसूर संभाल नहीं सके हर चीज़ में औरत का कसूर है हर समाइम्स औरतें इस चीज़ से डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं उनकी ज़िंदगी दबाव बर्बाद हो जाती है हर चीज़ का ब्लेम जो है उनको दिया जाता है इवन हमारी तो सोसाइटी का ये हाल है कि अगर कोई हमारे साथ जिनसी ज़्यादा कर दे पाँच छः मर्दों हम कहते हैं कि जी पाँच छः मर्दों को औरतों ने औरत ने अट्रैक्ट किया होगा तो उनका कसूर नहीं है जिन्होंने ये सब कुछ किया उन पाँच मर्दों का कसूर नहीं औरत के कसूर होगा तो सारे मर्द कहती हैं कि घर टूटना छोटी बात नहीं होती लेकिन अच्छा असल जो वजूहत हैं उसको आप लोग नहीं जानते और उसका तयन भी नहीं कर सकते महज लोगों की कयास रायों से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए बिल्कुल सही कयास कयासराइयाँ लोगों ने कि लोग बातें करते हैं इसका कसूर है वो घमंडी है वो ऐसी होगी और भाई इस पर आप गौर क्यों नहीं करते कि एक मर्द को आदत है ज़्यादा टाइम किसी औरत के साथ रह ही नहीं सकता ये शादी भी इसलिए चली दोनों अलग अलग रहते थे अगर किसी को मुख्तलिफ औरतों की आदत है आप सब ने देखा बैठ कर अदाकारों ने बोला कि जी एक क्रिकेटर हैं जो शादीशुदा भी हैं फिर भी हमें मैसेजेस जो हैं वो भेजा करते थे उनको शर्म आनी चाहिए तो आप देखें जो हर वक्त चांस की तलाश में हो उसने क्या रिश्ते निभाने हैं फैंस ने शोएब मलिक को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि प्रॉब्लम बीवी से थी तो बेटे को क्यों अकेला छोड़ दिया तुमने इजहान की उदास तस्वीर जो है वो बहुत वायरल हो रही है लोग बहुत इस पर कॉमेंट कर रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस कर रहे हैं बच्चे की आंख में कॉमेंट सेक्शन में जा ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अगर वालदे को एक दूसरे से मसला तो क्या बच्चों पर इसका इम्पैक्ट नेगेटिव होना चाहिए या बच्चों को बाकी दुनिया की तरह जिस तरह को पेरेंटिंग लोग करते हैं वैसे करनी चाहिए यहाँ पर इतना क्या मोहब्बत में पागल होना वो भी तीसरी के अपनी तीसरी तो शादी है मोहब्बतें तो पता नहीं कितनी होंगी कि अपने बच्चों को भूल जाना जरूर कॉमेंट करेगा सी जी इन द नेक्स्ट